तो दोस्तों 25 तारीख के लिए मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, उन्हीं स्टॉक्स के बारे में आज आप चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो डिटेल के साथ इसमें चर्चा करेंगे। काफ़ी अच्छी तरह से टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें मेरे जो फेवरेट दो स्टॉक्स इसमें निकल के आते हैं। ठीक है, लिस्ट अगर देखने जाएंगे तो हमारे पास टोटल जो है 8 स्टॉक की लिस्ट है, उसमें से दो मेरे फेवरेट हैं जिसमें मैं काफ़ी बुलिश हूँ। ठीक है, और काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है, नाम लूँगा आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है। ठीक है, तो उस लिस्ट में जो पहला स्टॉक्स है नंबर वन पे है, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, जिसका डे चार्ट स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। तो डे चार्ट में आपको सीन क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखो ये सपोर्ट पे था। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट बेस बनाया 250 के आसपास, 60-50 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे एक रेंज में, ये एक ही रेंज में यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ना एक सपोर्ट पे ही है एक तरह से। अभी जो प्राइस, करंट प्राइस है 280 की चल रही है, तो 280 पे आप बाय कर सकते हो 6 महीने के लिए या फिर 12 महीने के लिए। तो आपको जैसे मार्केट में तेजी आने चालू हो जाएगी, ठीक है, मार्केट का मूड माहौल ठीक हो जाएगा, तो इस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो इसके जो स्टॉक्स है अभी, अगर इस प्राइस से आप खरीदते हो 280 से, तो पहला जो टारगेट आएगा 309 रुपये का आपका टारगेट रहेगा। 309 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है। ठीक है, तो 326 का टारगेट आपको दिख जाएगा, और 326 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 340 के टारगेट रहेंगे। और 340 के ऊपर जो क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर इसके जो टारगेट निकल के आते हैं वो काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आते हैं, अपसाइड के 414 रुपये का टारगेट। ठीक है, अगर 340 के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर आपको 414 के टारगेट के लिए आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक में बाय करनी है। ठीक है, और सेकंड जो हमारा फेवरेट स्टॉक्स है वो है नेल्को। ठीक है, इसे 135 रुपये में हमने बाय की सजेशन दिया था, और 230 के टारगेट के लिए, और 230 के टारगेट हमारे अचीव हुए थे इस लेवल पे। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ मार्केट, और फिर देखो वापस ये ब्रेकआउट देने जा रहा है, ब्रेकआउट दे चुका है यहाँ पे ऑलरेडी। तो अब जो इसके टारगेट निकल के आते हैं 280 के आसपास के टारगेट आपको यहाँ पे निकल के आते हैं नेल्को में। ठीक है, 280 अगर पार करता है तो उसके बाद अपने इसको रिव्यू करेंगे, और काफ़ी अच्छे टारगेट इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके चलेंगे नेशनल एल्यूमिनियम। थर्ड जो है इंडियन ऑयल है, जो कि अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सपोर्ट पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट पे जैसे ही यहाँ पे अभी करंट प्राइस पे भी आप बाय कर सकते हो। इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 536 रुपये, और जो इसके 536 पे अगर क्लोजिंग मिलती है 40 के आसपास की, तो फिर 595 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 600 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर 713 के टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे ये फंडामेंटली काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है। आप खुद रिसर्च करके भी इसमें इसकी जो डिटेल है चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और ये मेरे फेवरेट स्टॉक्स है जो अभी निकाल के लाया हूँ मैं। ठीक है, जो अपने सपोर्ट पे और ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हैवेल्स इंडिया की बात करें तो अपने हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये एक सपोर्ट बेस क्रिएट कर रहा है, और प्रीवियस सपोर्ट पे भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो अभी आप है ना इसमें बाय कर सकते हो, क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है। ठीक है, अपने कैपिटल का 10-20% ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना है हैवेल्स इंडिया में, और इसके टारगेट आप है ना काफ़ी अच्छे 2000 के टारगेट के लिए आपको इसमें बाय करना, और लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको देखना नहीं है, इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो हैवेल्स इंडिया। इन्फोसिस हमारा जो दो फेवरेट स्टॉक्स है, उसमें तीसरा इसको भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देगा। अगर 2000 के ऊपर इसकी क्लोजिंग मिलती है तो इसके जो है ना 2250 के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे इन्फोसिस। फ़िलहाल ये ट्रेड कर रहा है 1902 रुपये पे, और इसने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है यहाँ पे। ठीक है, और अभी जो इसके इंस्टेंट टारगेट है 1902 से 1975 के टारगेट आपको इन्फोसिस में देखने को मिल सकते हैं। फिर हमारा लॉरेंस लेब्स का जो है स्टॉक्स है, उस पर अगर फोकस करें तो ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। अगर ये 520 पे क्लोजिंग करता है, ठीक है, 520 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, तो हमें 604 के टारगेट इसमें दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, लॉरेंस लैब्स, और फिर टीवीएस मोटर, ये अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है तो इसमें ज़रूर बाय कर सकते हो। फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है और भविष्य में काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है, टीवीएस मोटर। और लास्ट स्टॉक्स है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो इसको भी बाय कर सकते हो। ये 3012 पे चल रहा है इसकी प्राइस, और 3015 के ऊपर इसको क्लोजिंग मिलती है, 3025 के ऊपर इसको क्लोजिंग मिलती है, तो फिर आप इसको 3200 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हो M&M, ठीक है। और उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आते हैं, लेकिन फिर 3200 के ऊपर इसको अपने रिव्यू करेंगे, वहाँ से वापस नए टारगेट नए लेवल्स निकाल के देंगे। तो ये जो स्टॉक्स थे 25 तारीख के लिए थे, 25 नवंबर, तो आप ज़रूर इसमें बाय कर सकते हो। और कोई डाउट क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, और ऐसी वीडियो हम हमारे चैनल पर अपलोड करते हैं स्टॉक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसको पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, फिर ऐसे नए स्टॉक्स की लिस्ट लाएंगे आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में।